20 साल यानी कि आधी से ज्यादा जवानी बिना कसूर के जेल में काट दी। इसके बाद जब निर्दोष साबित हुआ तो नए जीवन की आस में बाहर आया। इसके बाद तो दुल्हन धोखा दे गई। ऐसे में अब एक व्यक्ति का लोगों से भरोसा उठ गया है। देखिए खास रिपोर्ट। 20 साल सजा के तौर पर जेल में काटे, इसके बाद नई दुनिया की ख्वाहिशें लेकर शादी की तो दुल्हन भाग गई। जी हाँ, मामला सामने आया है ललितपुर के महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलावन से, जहां रहने वाले विष्णु तिवारी की किस्मत ही खराब निकली। विष्णु ने बताया कि पहले उसे एक लड़की ने झूठे दुष्कर्म और SC ST के मामले में फंसाया। जैसे तैसे वह सजा काट कर वापस बाहर आया तो उसने सोचा कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यही सोचकर उसने एक बिचौलिए के माध्यम से खूबसूरत दुल्हन ढूंढने को कहा और ले देकर एक काम चलाऊ दुल्हन उसे आखिरकार मिल ही गई, जिसने मंदिर में जाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम भी खाई। लेकिन बेचारे विष्णु को क्या पता था कि उसकी दुल्हन 17 घंटे भी उसके साथ ईमानदारी से नहीं टिक पाएगी। किस्मत ने 20 साल पहले उसके साथ जो खेल खेला उसकी भरपाई भी नहीं हो पाई थी कि उसे एक और जोर का झटका और जोर से लगा है। आपको बताते चले कि विष्णु को कोर्ट ने 20 साल लगा दिए यह साबित करने में कि वह निर्दोष है। दरअसल जमीनी विवाद में विष्णु पर रंजिशन फर्जी मामला दर्ज कराया गया था और अपनी आधी से ज्यादा जवानी जेल में काट कर विष्णु तिवारी बाहर आया तो उसने एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का मन बनाया। विष्णु की उम्र ढल रही थी, रिश्तेदारी में भी जब उसे कोई लड़की अपना जीवन साथी बनाने को तैयार नहीं हुई, फिर इसके बाद एक ठग उसके संपर्क में जरूर आ गया, जिसने 1 लाख रुपए में खूबसूरत दुल्हन से उसके साथ फेरे कराने की बात कही। इसके बाद एक लड़की से मिलवाया जो विष्णु के मन को भा गई। इसके बाद सारी औपचारिकताएं करते हुए दुल्हन के लिए साड़ी, कपड़े, जेवरात आदि ले लिए गए। शादी तय कराने वाले व्यक्ति ने भी विष्णु को मोटा मुर्गा समझकर उसे 20,000 रुपए अलग से न्यौछावर भी ले ली। इसके बाद 22 जुलाई को डोंगरा की देवी माँ के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी रचा ली गई। विष्णु हंसी खुशी अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर चला गया। सुबह लड़की ने अपनी माँ से मिलने की बात कही तो विष्णु अपनी पत्नी को लेकर ललितपुर के तुवन मंदिर में उसे उसकी माँ से मिलाने ले आया। लेकिन विष्णु को इसका आभास जरा सा भी नहीं था कि माँ से मिलने के नाम पर उसके साथ फिर से एक बड़ा धोखा होने वाला है। मंदिर में पहुंचकर दुल्हन ने विष्णु से कुछ खाने पीने का और पानी की बोतल लेने को कहा। आखिर नई नवेली दुल्हन की बात कोई कैसे टालता। विष्णु वहां से बाजार नाश्ता पानी लेने चला गया और जब वह पानी की बोतल लेकर वापस लौटा तो उसकी दुल्हन वहां से 9:00-11:00 हो चुकी थी। इसके बाद विष्णु अबाक सा वहीं खड़ा रह गया और अब विष्णु ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। होने के बाद पूरा 1 लाख रुपए उनको दिया गया और जो दलाल, जो बीच का दलाल था, वो कुर्मी जो बता रहा था, गुट्टू कुर्मी, वो उसको वो कह रहा था 20,000 हमें अलग से चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, उसको हमने कहा ठीक है, दलाल हो जाए। लड़की की इनने फोटो डाली, लड़की की बाकायदा पूरा पूरा दाम मतलब सामान लिया, जो भी पहना होता है, श्रृंगार होता है, धोती वगैरह सब चीज लाई और सब नाराज से लेके बगरिया से सीधे उतर डोंगरा गए। शादी भाई बाकायदा दो दो पंडित गाड़ी ले गए किराए से और सब कुछ, और बढ़िया फेरे पड़े गए सब कुछ होने के बाद। और सुबह रात में 11 बजे मतलब घर पहुँचे हम। सुबह हाथे बातें लगने थे, सब बातें होने थी, बड़ी खुशी की बात थी। और वो कहने लगी कि हमारी मम्मी से हमें मिलवा दो। और जो बीच वाला वो दलाल था, जो गुड्डू नाम का बना था कुर्मी, वो बोला कल लगा हम कल तुम्हें आपको आधार कार्ड देंगे, लड़की का देंगे, हम अपना देंगे और आप कोर्ट मैच करवा लेना, हम गवाही बनेंगे लड़की की तरफ से। तो हमने कहा ठीक है, कल हमारे 20,000 रुपये हमारे दे देना। हमने कहा ठीक है, हमको आए लेके तुमन के मंदिर पे बुलवाया उन लोगों ने। हम वहाँ से गए जहाँ से प्रदर्शनी गेट लगता है, उधर से उधर से गए और उसने कहा कि बाटल ले आओ पानी की, प्यास लग रही। तो हम बाटल लेने गए, वो वहीं खड़ी थी हमारे पीछे पीछे ही से, मतलब हम सोचा तो आ रही, वहीं खड़ी खड़ी और उसे गदबद देखे और उसे अब गई किसके साथ, मतलब गुड्डू जो पटेल बना है कुर्मी, वो बता रहा है कि हम सागर के रहने वाले हैं, है वो उसके साथ भाग गई। आपके साथ जो घटना घटित हुई है कौन से दिन समय हुई है, कौन से दिन हुई है? आज की तारीख में, कल की तारीख में शादी भाई थी, आज की तारीख में वो 1 बजे हम ललितपुर आ गए। बाकायदा उसका मतलब हमने कहा चलो अब कोर्ट मैच होगा, पैसा उसके जो पैसा थे 20,000 रुपये उसे देने थे, 1 लाख रुपये हमने वहाँ दिए, जो सबके समाज
पिताजी जी के, दो पंडित जी के, और किसको दिए आपने? उसको दिए जो लड़की वाले का बाप बना था जैन। पूरा नाम क्या है उसका? उसका पूरा नाम नहीं जानते, झूठ मार्च का नाम है उसका, झूठा फ्रॉड है, तो फ्रॉड नाम था उसका। लड़की कहाँ से है? लड़की यहाँ सागर की बनी थी, लेकिन वो निकली ललितपुर की, और लड़की का नाम था राजकुमारी। आपने पहले जानकारी नहीं ली इसकी क्या? हमने कोई जानकारी नहीं ली, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं प्राप्त। भाई अगर हमें ऐसी जानकारी मिल जाती कि ये बच्चलन और वैश्या है और इसने कई शादी कर ली, तो हम उससे कतई मतलब हम नहीं करते। शादी के दिन ही भाग निकली या घर पहुंचने के? नहीं नहीं, शादी के दिन 11 बजे घर पे पहुंचे शादी करके, वहाँ से जब आए तो ललितपुर लेके। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, B Tech, M Tech, and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स, बायो, श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।